हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, तो मैं वन बाय वन आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। और ये मैंने अमेजोन पे जो अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल चल रही थी उसी में मैंने ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने किचन के कंटेनर्स ऑर्डर किए थे, तो ये प्लास्टिक के हैं एंड ये आपको 6 का भी पैक मिल जाएगा और 2 का भी पैक मिल जाएगा। मुझे 6 का लेना था बट मैंने अभी 2 का इसका सेट लेके देखना था, मुझे ट्राई करना था कि ये कैसा होता है क्वालिटी वाइज। तो ये इस तरह से मैंने 2 का सेट लिया है और जो भी प्राइस और लिंक होगी परचेज की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होता है, वो हम वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये इस तरह से 1 लीटर का, ये 1 kg का, ये इस तरह से बॉक्स आएगा, प्लास्टिक का है। और इसकी जो कैप है वो इस तरह से है, व्हाइट कलर की, और इसपे इस तरह से ये छोटा सा ट्रांसपेरेंट दिया। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका प्रोडक्ट निकल आएगा और इस तरह से आप इसको कर लीजिए। तो ये आराम से आपकी जो 1 kg अगर आप दाल चावल या कुछ भी आपके पास दाल चावल हुआ, शुगर हुई, आपको कुछ भी इसमें डालना आप डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं या कोई नाश्ता रख सकते हैं, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आपको इसको जो भी रखना आप रख सकते हैं इसमें। और बिल्कुल भी ये इसका जो अगर आप प्लास्टिक देख रहे हैं तो प्लास्टिक काफी अच्छी है, जरा भी अगर आप देख रहे हैं तो जरा भी ऐसा नहीं कि मैं इसको दबा रही हूं तो जरा भी ये अंदर की तरह दब जाए। प्लास्टिक बहुत ही अच्छी है, कंटेनर्स काफी अच्छे हैं और एयर टाइट है। सबसे अच्छी बात है कि ये एयर टाइट देख के ही मैंने लिए हैं और अमेजोन पे जो इसके रिव्यूज थे ये काफी अच्छे भी रिव्यूज थे, इसलिए भी मैंने इसको ऑर्डर किया था। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको अगर इसमें कोई भी प्रोडक्ट डालना होता है तो आपको पूरा नहीं खोलना होता है, आप बस इसको फ्लिप करिए तो आपका यहाँ से प्रोडक्ट निकल आएगा, उसके बाद आप ऐसे करके आप इसको रख दीजिए। एंड दूसरी अच्छी बात ये कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप आराम से तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इस डिब्बे में क्या रखा है, ये ट्रांसपेरेंट है। और तीसरा ये कि जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं, बॉक्स होते हैं, ये अगर गिर भी जाए तो ये टूटते नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये मुझे काफी अच्छे लगे एंड मैंने 6 और ऑर्डर उन्हें दे दिए हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से सेट बना के रखना है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप डेफिनेटली इसको बाय करें। तो यहाँ मैं आपको इसमें दाल डाल के दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा पैकेट जो है खाली हो गया, और ये जो दाल का पैकेट था ये 1 kg का था, तो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा 1 kg की दाल इसमें आ गई और अभी भी थोड़ा सा स्पेस इसमें खाली है। तो अगर आप को 1 kg या 1.5 kg के लगभग इसमें प्रोडक्ट डालना है तो आराम से आपका आ जाएगा। और ये देखिए ट्रांसपेरेंट है तो कितनी आसानी से ये इसमें दिख जाएगा, आप इसको बंद कर दें और जितना आपको लेना है आप आराम से ऊपर से निकाल लें। तो ये काफी मुझे अच्छा लगा। नाउ गाइस, जो सेकंड परचेज है वो मेरी ये नाइफ सेट है। सो ये इस तरह से 4 का सेट है और इसका जो ब्रांड नेम है वो सिग्मा है, और ये स्टेनलेस स्टील के काफी अच्छे से मुझे ये नाइफ लगे। 4 का सेट है ये, 3 इस तरह से वेजिटेबल कटर हैं और एक छीलने वाला चाकू है। और इसमें सब दिया है कि ABS प्लास्टिक है, और जो कंटेनर्स थे उसमें भी जो प्लास्टिक यूज की गई है काफी अच्छी है। और इसमें भी मैंने स्टेनलेस स्टील देके ही चाकू ऑर्डर किए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप आराम से इसको यहाँ से टांग भी सकते हैं, काफी प्रिंटेड चाकू हैं और ये स्टेनलेस स्टील के हैं एंड आप आराम से इससे चॉपिंग कर सकते हैं। तो ये 4 का सेट है और ये एक इसमें आपको छीलने वाला चाकू मिल जाएगा, तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। और अगर आप स्टेनलेस स्टील की जो क्वालिटी देख रहे हैं तो काफी अच्छी स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी है, और 4 का सेट है तो काफी मुझे अच्छा लगा, रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल भी गया था इसलिए भी मैंने इसको ऑर्डर किया था। और उसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वो स्पाइस रैक मैंने ऑर्डर किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, जो थर्ड प्रोडक्ट है ये इस तरह से सॉल्ट एंड पेपर है, इसकी मुझे काफी जरूरत थी इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये 4
का सेट है, तो आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, पेपर रख सकते हैं, और या तो फिर आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। ये इस तरह से प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट जार में आते हैं, चार छोटे छोटे से। तो एक तरह से जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये आप इसमें छेद छेद हैं, तो आप इसमें सॉल्ट रख के स्प्रिंकल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से ये इस तरह से ओपन होगा। और इसको आप पूरा ओपन करके आप इसमें जो भी आपको स्टोरेज करना है, सॉल्ट हुआ, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, कुछ भी आप इसको भर के इसमें रख सकते हैं। काफ़ी स्पेस सेवर है, ज़रा भी जगह नहीं घिरता। आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं और किचन में भी रख सकते हैं, तो जगह भी ज़्यादा नहीं लेता है। काफ़ी हैंडी है, काफ़ी लाइट वेटेड है, और जो प्लास्टिक यूज़ की गई है ये भी काफ़ी अच्छी है। मैंने इस तरह से इसमें सॉल्ट पेपर डाल के रखे हुए हैं। सो इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर किया था अमेजोन से वो ये फूड कलर्स थे, और ये इस तरह से पेपिलियन लिक्विड फूड कलर हैं, और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी मुझे मिल गए थे, तो ये काफ़ी अच्छे रहते। इसमें दिया है ये हाइजीनिक हैं, सेव हैं, प्योर हैं। तो इस तरह से आप जो ये फूड कलर्स होते हैं इनको आप कुछ मीठा बना रहे हो, जैसे आप खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हो तो उसमें डाल सकते हैं, जैम बना रहे हैं घर पे तो आप उसमें डाल सकते हैं, सिरप में डाल सकते हैं, आइसक्रीम में डाल सकते हैं, या फिर आप कोई मैंगो शेक, लस्सी बना रहे हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीपर्पज यूज़ है, और इस तरह के ये इसमें काफ़ी सारे मुझे कलर्स मिल गए थे, 10 कलर मुझे रिसीव हुए थे और सारे ही कलर इसमें हैं। और ये इस तरह से ड्रॉपर दिया गया है, तो ये लिक्विड कलर है, इस तरह से आप निकालिए और डाल दीजिए जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। और इसमें मैंने चेक किया था सारे ही कलर्स अवेलेबल हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन कलर, सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, मैंने इसको ट्राई किया था। मैंने इसको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगी कि मैंने इसको अपने घर में, मैंने कोकोनट की बर्फी बनाई थी, मैंने उसमें डाला था सैफरन कलर, उसके बाद मैंने बिरयानी बनाई थी उसमें मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया था। तो मैंने काफ़ी सारे चीज़ में इसको ट्राई कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा कलर आता है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं उसका कलर, और सारे कलर्स इसमें हैं। तो आप कुछ भी बना रहे हैं, अगर आप केक बना रहे हैं तो भी आप इनमें से कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पेस्ट्री बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या होता है कि लस्सी पीना पसंद नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं पीते हैं, तो आप इस तरह से कलर डाल के देते हैं तो काफ़ी खुशी खुशी पियेंगे। और काफ़ी कुछ भी आप बनाते हैं, पुडिंग वुडिंग, तो कलरफुल अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं। तो इस तरह के कलर्स आपके घर में होने ही चाहिए, ताकि आप इसको कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे यूजेज़ हैं। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि इस तरह के कलर्स आप जरूर अपने घर में रखिए और बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए फ्रेंड्स।